आप सभी को नमस्ते। आइए आज के चमत्कार से पहले सुनते हैं श्री कल्की का प्रकटित बोध। जीवन मुक्त बिना यात्रा किए ही यात्रा करता है। आज का चमत्कार, धर्मपुरी से मैं पी कृष्ण कुमारी हूँ। मेरी छोटी बहन मुकाम्बिका के सास ससुर और पति उसे बहुत प्रताड़ित कर रहे थे, जिस कारण वो बहुत परेशानी में थी। जब उसके धैर्य की सीमा पार हो गई तो वो आत्महत्या करना चाह रही थी, इसलिए उसने अपने छोटे बेटे के साथ मैं टूर बांध से छलांग लगाकर जीवन समाप्त करने की ठानी। बांध पर कुछ लोग किसी दिवंगत आत्मा का अंतिम संस्कार कर रहे थे। मेरी बहन को ऐसी विचलित स्थिति में देखकर एक मेनका नामक स्त्री ने उससे पूछा कि कुछ परेशानी थी क्या। मेरी बहन ने तभी मूल मंत्र का जवाब समाप्त किया था जो मैंने उसे सिखाया था। मेनका के पूछने पर मेरी बहन के सब्र का बांध टूट गया और वो बिलक पड़ी। वक्त की नजाकत को देखते हुए मेनका मेरी बहन को अपने घर ले गई। मेनका के घर में श्रीमूर्ति देखकर मेरी बहन हस्तप्रद रह गई, इस डर से कि कहीं मेनका उसे वापस उसके ससुराल ना ले जाए। मेरी बहन ने अपना पता नहीं बताया, वो 21 दिन तक लापता रही। किसी अनिष्ट की आशा से हम लोग बिल्कुल टूट गए थे। मैं कल्की से निरंतर प्रार्थना कर रही थी। नेमम में एक कल्की आज्ञा के दौरान श्री अम्मा ने मुझे विश्वास दिलाया कि मेरी बहन और उसका बेटा दोनों सुरक्षित हैं और जल्दी ही लौट आएंगे। मुझसे पितृ शांति हवन में भाग लेने के लिए कहा गया, वो मैंने किया। अचानक मेरी बहन को ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने परिवारजन से मिलना चाहती थी। हवन के 3 दिन बाद वो अपने बेटे के साथ घर लौट गई। कल्की के अनुग्रह से उसके परिवारजन ने उसका हार्दिक स्वागत किया। धन्यवाद।